बाद में अगर उनके पास टाइम कम भी बचे तो इलस्ट्रेटर में अगर कोई छूटता भी है टॉपिक तो वो लीस्ट इम्पोर्टेंट या जिसमें से आता ना हो तो किस ऑर्डर में करना चाहिए बच्चों को? तो इसमें देखो क्या करना है, जैसे उसके तीन बेसिक फॉर्मूले हैं, इन्वेंटरी का बता का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी बहुत बड़ा टॉपिक है। सो दिस सर, बच्चों को इंडस्ट्रियल में आखिरी समय में कैसे टॉपिक्स उठाने चाहिए? मेरा मतलब है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक वो पहले कर ले ताकि उनका स्कोर जो है ना ज्यादा अच्छा रहे, बाद में अगर उनके पास टाइम कम भी बचे तो इंडस्ट्रियल में अगर कोई छूटता भी है टॉपिक तो वो लीस्ट इम्पोर्टेंट या जिसमें से आता ना हो, तो किस ऑर्डर में करना चाहिए बच्चों को? देखो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होती है इन्वेंट्री। गेट में देखो बहुत सारे ऑलमोस्ट एवरी अल्टरनेट ईयर उसका क्वेश्चन पड़ता है इन्वेंट्री का, छह नंबर क्या आता है इंडस्ट्रियल इंजीनियर में। तो पर इन्वेंट्री में भी क्यों, इन्वेंट्री बहुत बड़ा टॉपिक है। इन्वेंट्री में भी जो विल्सन हैरिस मॉडल और प्रोडक्शन मॉडल है उसका जो ट्रायंगल पे जो हमारी जो एवरेज इन्वेंट्री और ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालते हैं उस पर ज्यादा फोकस करें। और एक क्वेश्चन गेट में बहुत ज्यादा रिपीट होता है जो प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल पर, कि कोई आपकी कमोडिटी है आपने अगर सेल की इतना लॉस हो गया, इतना इतना प्रॉफिट होगा, इतना लॉस हो गया अगर नहीं सेल पाई तो हमें कितनी कमोडिटी प्रोक्योर करनी चाहिए। तो इस तरह की सेम तरह के क्वेश्चन रिपीट होते हैं और डेटा चेंज कर देता है। तो इन दोनों चीजों पर फोकस करो इन्वेंट्री में, वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सर इन्वेंट्री के बाद इन्वेंट्री का बात आगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इसमें प्राइमरली फोकस करो जैसे हमारा फॉरवर्ड पास बैकवर्ड पास कैसे करते हैं, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन निकलता है जिससे, और टोटल फ्लोट कैसे निकालते हैं। बाकी तीन और फ्लोट होते हैं, अगर टाइम है तो करो, इसमें टाइम नहीं है तो टोटल फ्लोट तो निकाल लो कम से कम कैसे होता है। ओके सर, ये तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया। और इसके बाद अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में फिर नीचे जाएं तो क्यूइंग आ गई, तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है क्यूइंग का। सर इसमें बच्चों का बहुत ज्यादा दिक्कत ही होता है कि सर बहुत सारे फॉर्मूले हैं क्यूइंग के अंदर, तो इसमें बड़ी दिक्कत आती है, इसको कैसे टैकल करें? हां क्योंकि इनफाइनाइट लैन क्यू विद द फाइनाइट लैन मल्टी सर्वर वेटिंग टाइम एवरेज वेटिंग टाइम। तो इसमें देखो क्या करना है, जैसे उसके तीन बेसिक फॉर्मूले हैं, एक तो probability that there are n customers in the system, length of system, length of queue. तो इसको जैसे derivation होता है पहले ना, अगर उस derivation को focus कर लिया बच्चों ने तो मुझे लगता नहीं कि industrial कोई problem आएगी, वो सारे उसकी offshoot है। अगर finite length है infinite n लिख दो उसमें sigma के ऊपर, multiple server है c की value change करते चलो, तो तीन basic formula है उसका जैसे derivation हो रहा है, एक बार derivation देख लें चलिए बस। ठीक है सर, ये तो क्वीन की बात होगी। उसके बाद अगर हम आगे जाएं तो फॉरकास्टिंग आ गई आपकी, नेक्स्ट आपकी फॉरकास्टिंग बहुत इजी है क्योंकि उसमें जनरली गेट में ऑफ कोर्स सिलेबस तो बहुत एलेबोरेट है, एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग हो गई और मूविंग एवरेज हो गया, कुछ नहीं एवरेज निकालना है उसका, उसी को एक बार दो मिनट में एक्चुअली देख सकते हैं ऐसे आप। सर एक बार क्वेश्चन आया था एक्सपोनेंशियल और सिंपल मूविंग एवरेज को कंबाइन करके जहां पे अल्फा की वैल्यू निकाली गई थी, करेक्ट? हाँ हाँ। तो क्या इसमें भी कुछ मॉडिफिकेशन हो सकता है कि सिंपल मूविंग एवरेज की जगह कुछ वो वेटेड मूविंग एवरेज को लगा के कर दे? कर सकते हैं, चलो अच्छा। पर चीज सेम ही है एक्चुअली, वो सबसे इजी प्रॉब्लम इंडस्ट्रियल में यही होती है फॉरकास्टिंग की, बस आपको मालूम होना चाहिए कैसे करना है। ठीक है सर, ये तो फॉरकास्टिंग की बात हुई, और उसके बाद हम आगे चले तो बाकी जो बचे हुए चार टॉपिक हैं उसमें कोई वैरायटी नहीं है जी। आप जैसे ट्रांसपोर्टेशन है आपको ऑप्टिमाइजेशन में जाना है आपको जी, और सिंप्लेक्स का जो प्रोसीजर है और आपका जैसे ग्राफिकल मेथड हो गया और असाइनमेंट हो गया, उसका एक सेट प्रोसीजर है। अगर आपको स्टेप मालूम है और डेटा चेंज होगा प्रॉब्लम सवाल बन जाएगा, तो बाकी जो बचे हुए टॉपिक है उसमें वैरायटी पॉसिबल नहीं है एक्चुअली। तो मेरा जो मानना है जो मैं समझ पाया हूँ सर कि ट्रांसपोर्टेशन सिंप्लेक्स ग्राफिकल और असाइनमेंट इसमें अगर आपको एक स्टेप्स पता है एल्गोरिथम पता है तो इसमें आपको ज्यादा कुछ ऐसा एफर्ट नहीं डालना। तो मेन जो आपके टॉपिक होने चाहिए है ना इंडस्ट्रियल के अंदर लास्ट टाइम पे अगर आप देख रहे हो तो सबसे पहले आप इन्वेंटरी के ऊपर फोकस रखें, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर फोकस रखें, फिर आप क्विंग के ऊपर फोकस रखें और फिर फोरकास्टिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, राइट सर? दैट्स इट। थैंक यू बच्चों।